विक्की भाई, गरीबी दोस्त विक्की भाई, उन्होंने इतना सब कुछ दिया, उनकी जाने से हर कोई सकते हैं सर। नीतीश कौशिक ने मेरे सिर्फ दोस्त हैं 45 साल से, मेरी आदत है, आदत इसलिए है कि रोज़ सुबह हम बात करते थे 8 बजे और उनके बारे में हैं सिलसिले में बात करना भी अपने आप में एक अजीब सी भावना है, अजीब सी फीलिंग है। मुझे रात को 2 बजे मेरे डोमेस्टिक हेल्प ने उठाया और मैं सोया हुआ था, तो उन्होंने कहा सतीश जी, तो मुझे लगा सतीश जी रात को 2 बजे घर आए, मैंने कहा बिठाओ मैं आ रहा हूँ, फिर उन्होंने कहा कि नहीं सतीश जी चले गए। मेरे परसों तो घर पर आए थे मेरे बर्थडे पे रात को खाना खाने, और बड़ा मुश्किल है ऐसा दोस्त मिलना, ऐसा इंसान मिलना। अभी तो हम सब सदमे में हैं, मुश्किल है इस बात को कितने साल लगेंगे ये महसूस करने में कि वो नहीं है। मैं जुलाई 75 में उनसे मिला था जब वो ड्रामा स्कूल में मेरे क्लास पे मेरे बेंच पे बैठे थे, और परसों रात तक हम साथ में थे। कल शाम को मेरी उनसे 8 बजे बात हुई और उन्होंने कहा मैं कल आता हूँ फिर मिलते हैं। और क्या बोल सकते हैं, जो दोस्त होता है वो कभी कभी रिश्तेदारों से ज़्यादा करीबी होता है। आप रिश्तेदारों से शायद अपने भाइयों से माँ बाप से वो बातें नहीं करते हैं जो दोस्त से करते हैं, क्योंकि दोस्त को आप अपनी असफलता के बारे में, अपनी सफलता के बारे में, अपने हार्ट ब्रेक्स के बारे में, और दोस्त जो है वो सहारा होते हैं, और वो सहारा जो है वो आज एक वो नहीं, एंड ये वो उनकी जगह कोई भर नहीं सकेगा। बतौर एक्टर, बतौर कलाकार, उनके जैसा उनका जैसा कलाकार नहीं, उनके जैसा प्रोफेशनल नहीं, एंड मैंने वैसा हंसमुख इंसान अपनी लाइफ में नहीं देखा। बात बात पे वो अपनी फेलियर पर हंसते थे, ज़िंदगी के हर ट्रेजेडी को वो मजाक में लेते थे। सो देश ने आज एक अच्छा इंसान खोया, बेहतरीन कलाकार, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, और मैंने अपने जीवन का एक अंग खोया। सर आपसे मुलाकात हुई थी उनकी, आप कह रहे हैं कि एक दिन पहले, क्या बात कर पा रहे हैं आप लोग उनसे लगातार कांटेक्ट में हैं, क्योंकि आगे की प्रक्रिया आप लोगों को मिलकर करनी है। दिल्ली में है, दिल्ली में बिकॉज ही इज अ नोन पर्सन, तो उनका पोस्टमार्टम होगा और अभी वो हॉस्पिटल में है, वहाँ पर पोस्टमार्टम के बाद कोशिश है कि वो एयर एम्बुलेंस से यहाँ लाए जाएंगे, और अगर सूर्यास्त नहीं हुआ तो आज ही उनका हम शशि जी और उनकी जो बेटी है वंशिका से पूछकर, उनके परिवार वालों से पूछकर, उनके बड़े भाई से पूछकर उसका इंतजाम फिर आज करें। हाँ सर, आपकी 2 दिन पहले आप कह रहे हैं कि आपके बर्थडे पे खाना भी खाने आए थे, क्या इस दौरान कोई इस तरह प्रॉब्लम थी? नहीं नहीं, कोई अचानक नहीं। से हार्ट अटैक अचानक ही आता है, हार्ट अटैक अचानक होता है, दैट मेडिकली आई डोंट नो हाउ टू डिस्क्राइब द कॉज ऑफ द डेथ, मेडिकली मैं नहीं जानता, but it is the cause of the death told to me is heart attack. अनुपम सर, आपकी दोस्ती की मिसाल दी जाती थी शुरुआत से लेकर सफलता के मुकाम तक, जिस तरीके से खट्टी मीठी आप लोग की यादें हैं, और जब भी आप लोग पब्लिक इवेंट पे आते थे बहुत कमाल की कैमराडरी आपकी दिखती थी, जहन में कोई ऐसी बात जो हमेशा रहेगी? ये 25 दिन तक ये इंटरव्यू चल सकते हैं अगर सतीश जी पे मैं बात करना शुरू करूँगा। मैं, सतीश और अनिल, हम 40 साल से दोस्ती निभा रहे हैं। सतीश अनिल विदेश में हैं, अनिल कपूर साहब, उनका भी बहुत ही डेवस्टेटेड सा फ़ोन आया मुझे, और हम जब कोई भी दोस्त साथ होते थे तो तीसरे की बुराई करते थे, अगर मैं और अनिल साथ है तो सतीश की बुराई करते थे, सतीश और अनिल साथ में होते थे तो मेरी बुराई करते थे, और बुराई जो है वो बड़ा पॉजिटिव समझा जाता था। तो मेरी माँ, उन्होंने बोली कि भाई तुम आ जाना, तो उस दिन आए नहीं थे, उस दिन रात को फिर खाना खाया, कल फिर मेरी बात हुई थी सुबह भी हमारी, रोज़ सुबह हमारा ये होड़ लगी होती थी कि कौन पहले फ़ोन करेगा, कौन जल्दी उठ के फ़ोन करेगा, एंड ग्रेट फादर इज अ ग्रेट फादर, एंड वंशिका छोटी है, आई थिंक आई विल रिक्वेस्ट मीडिया टू गिव देम द प्राइवेसी एंड द डिग्निटी दैट ही डिज़र्व्स, एंड मैंने आपसे इसलिए आके बात की क्योंकि एक आदमी को बात करनी है, ज़रूरी है, और
दैट्स इट और क्या कुछ अनुपम सर आप क्योंकि शुरुआती दिनों से सतीश जी के फ्रेंड रहे हैं क्या कभी उन्होंने मेडिकली कोई शिकायत आपको कभी कही है ऐसे तो मेडिकली कोई शिकायत तो किसी किसी को आप जहाँ पर जितने भी हैं आपने किसी कोई मेडिकल शिकायत आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग इट्स जस्ट दैट इट हैड टू हैपन अनफॉर्चुनेटली एंड इट हैपेंड एंड we all came from middle class lower middle class families and made it apne balbute pe yahan humne apna naam kamaya mehnat ka naam kamaya abhi unki film abhi complete ki hai kagaz 2 dusri film banane ki soch rahe the sath mein natak karne ki soch rahe the mere sath humne kaha yaar do logon ka natak karte hain do young logon ka natak karte hain and that's it it's not thank you sir